ये देखिए फिर पूरा मटन इसमें डाल दिया गया है, 40 किलो यहाँ पर मटन है और अब इसको ज़बरदस्त मसालों के साथ पकाया गया है। तो ये किस चीज़ का पेस्ट है भैया? ये मिर्चा का, लाल मिर्चा लाल। तो देख ही पा रहे फ्रेंड्स यहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी में सब कुछ प्याज अदरक लहसुन मिर्चा ये सब पेस्ट करके रखा गया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक फ्रेश न्यू हिंदी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज हम लोग ऐसे जगह पे आ गए हैं जहां पर हर दिन लगभग 70 से 80 केजी मटन बनाया जाता है। जी हाँ, इतना ह्यूज क्वांटिटी में मटन आप लोगों ने पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी नहीं देखा होगा। तो ऐसा ही एक हिडन जेम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। कहाँ आए हैं ये तो आगे वीडियो में बताएंगे, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जो भी देख रहे हैं वीडियो को जरूर एक लाइक कर दे, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। तो चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए जाते हैं इनका जो मेगा किचन है, उस मेगा किचन में जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ बन रहा है ये 70 किलो मटन। ये देखिए, ये है इनका ह्यूज मेगा किचन और यहीं पर ही बन रहा है ये 70 किलो मटन। तो कैसे कैसे बनता है चलिए आगे पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाते हैं और बाद में टेस्ट करके तो आप लोग बताएंगे ही कि आखिर यहाँ का इस मटन का स्वाद कैसा है। ओहो, जस्ट देखिए फ्रेंड्स, इतना मतलब ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पर मटन काटा जा रहा है। तो भैया कितना किलो मटन कट रहा है आज? यहाँ पर 80 किलो। आज 80 किलो का मटन बन रहा है, वाह। ये देखिए फ्रेंड्स, ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पर मटन काटा जा रहा है, एक के बाद एक मटन एकदम काटा जा रहा है। 80 किलो आज यहाँ पर मटन बनने वाला है, उसका ही प्रिपरेशन यहाँ पर चल रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मटन का प्रिपरेशन होना शुरू हो गया। यहाँ पर पहले तेल को गरम कर लिया जा रहा है और तेल गरम होते ही इसमें डाला जाएगा ये मटन। तो पहले मटन को फ्राई कर लीजिएगा ना? नहीं, पहले प्याज डालेंगे। अच्छा, पहले प्याज डालिएगा। तो यहाँ पर लगभग 40 किलो प्याज है? 40 किलो मटन का प्याज है। अच्छा अच्छा, और यहाँ पर मटन कितना किलो है? 40 किलो 600 ग्राम, ठीक है। तो भैया ये पूरा कढ़ाई कितना किलो का है? इसमें 50 किलो मटन आ जाएगा। 50 किलो मटन बन जाएगा। अभी तेज पत्ता डालेंगे। तो ये किस चीज का पेस्ट है भैया? ये मिर्चा का, लाल मिर्चा। लाल मिर्च का पेस्ट है। और इधर ये लहसुन का, लहसुन का। ये अदरक, ये अदरक। ये जीरा पेस्ट है। अच्छा, ये जीरा पेस्ट। सब पेस्ट करके रखते हैं ना, और इसके बाद इसमें डाल रहे हैं सब। हाँ, तो देख ही पा रहे फ्रेंड्स यहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी में सब कुछ प्याज अदरक लहसुन मिर्चा ये सब पेस्ट करके रखा गया है और इसको इसके बाद मटन के साथ यहाँ पर मिक्स किया जाएगा। तो प्याज को देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर दिया जा रहा है। तो जानी ना दादा, आप ही मसाला डाल रहा है। मसाला 4 किलो डाला। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा मसाला चला गया और साथ में ही अब मटन को भी डाल दिया जा रहा है। तो ये पहले चर्बी डाल ले रहे हैं क्या? पहले चर्बी जा रहा है या फिर पूरा मटन? पहले चर्बी डाला, उसके बाद मटन डालेंगे। ये देखिए फिर पूरा मटन इसमें डाल दिया गया, 40 किलो यहाँ पर मटन है और अब इसको ज़बरदस्त मसालों के साथ पकाया गया है। 40 किलो मटन के लिए। तो ये देखिए अब चला गया नमक। हल्दी पाउडर डालेंगे अभी। देखिए हल्दी पाउडर डाल रहे हैं।
तो हल्दी डालना कंप्लीट, हल्दी पाउडर डालना कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब और क्या मसाला जाएगा? और 15 मिनट के बाद कसा मटन हो जाएगा। अच्छा। मटन कंप्लीट हो जाएगा 15 मिनट के बाद। अच्छा। एक बार मटन थोड़ा उठाइए सर, जाइए क्या सीन है? तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं इनका मेगा किचन में, और देखिए इनका मेगा किचन ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पर बहुत कुछ बनाया जाता है। तो यहाँ पर भैया अभी क्या बनने वाला है? भैया यहाँ पर अभी क्या बनने वाला है? यहाँ पर देसी चिकन बनने वाला है। अच्छा, तो कितना किलो बनेगा आज? 15 किलो देसी चिकन। और सामने उधर देख पा रहे हैं हम लोग पापड़ इस तरह से फ्राई किया जा रहा है, और भी यहाँ पर देखिए यही है ना देसी चिकन। अच्छा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा देसी चिकन, और इसको अब यहाँ पर कुक किया जाएगा। तो भैया मटन डेली आप ही बनाते हैं यहाँ पे? नहीं, हमारे यहाँ पे 4 कारीगर है। अच्छा, वो 4 कारीगर अंदर अल्टरनेट करके चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो डेली यहाँ पर इतना ही 70 किलो मटन बनता है? 70 किलो 80 किलो मटन बनता है। 70-80 किलो। अभी तो सावन का महीना है, इसलिए थोड़ा कम शायद बन रहा है। सावन का महीना के अलावा भी और भी मटन बनता है? दुर्गा पूजा में ज्यादा बनता है। दुर्गा पूजा में लगभग 3 क्विंटल बनता है। 3 क्विंटल? हाँ। अच्छा, एक दिन में? तो देख ही पा रहे हैं फ्रेंड्स, इतना ह्यूज इनका मटन का डिमांड है कि दुर्गा पूजा के टाइम पे यहाँ पर लगभग 3 क्विंटल मटन बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, ये देखिए देसी चिकन यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो डेली यहाँ पर इसी तरह 15 किलो ही बनता है क्या? अच्छा, तो ये देखिए फ्रेंड्स मटन कसा पूरा बनकर तैयार है। तो बन गया ना भैया? अच्छा, तो आप इसको उतार दीजिएगा। तो मटन पूरा बन गया ना? नहीं, पूरा नहीं बना, कैसा बन गया? अच्छा, इसके बाद ग्रेवी ग्रेवी देंगे? हाँ, इसके बाद ग्रेवी। तो इसके बाद क्या कुकर में जाएगा क्या? नहीं, कढ़ाई में ही बनेगा? नहीं, नहीं। अच्छा, तो ये ऊपर से गरम मसाला डाल दिए ना? तो भैया ये मटन बनकर पूरा तैयार हो गया ना? अच्छा, तो फ्रेंड्स देख ही पा रहे हैं यहाँ पर अब पूरा मटन बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए लगवाते हैं अपना स्पेशल मटन थाली और टेस्ट करके आप लोग भी बताते हैं कि आखिर इस मटन का स्वाद कैसा है। तो फ्रेंड्स चलिए पूरा सुबह से आप लोगों को पूरा मेकिंग प्रोसेस दिखाएं स्पेशल मटन का, इसलिए ज़्यादा कुछ हम लिए नहीं, वैसे यहाँ पर थाली में और भी बहुत कुछ रहता है, बट वो सब दिखा के आप लोग समय बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए जो जो यहाँ पर मेन चीज़ है स्पेशली था हमारा ये मटन। तो मटन लिए हैं, साथ में लिए हैं यहाँ पर दाल, और यहाँ पर आलू फ्राई है, पापड़ है, प्याज और ये सब है। तो स्पेशल देखिए इनका ये चावल है। तो बिहार में हम लोग गए थे तो वहाँ पर इस तरह का राइस देखे थे जिसको कहा जाता है कतरनी राइस, तो उसी टाइप का ये राइस है। चलिए अब टेस्ट करते हैं, देखते हैं इनका ये दाल कैसा है। ये जो दाल है उसको प्याज से बनाया गया है, मतलब प्याज को फ्राई करके इसमें तड़का दिया गया है, ज़बरदस्त लगा मुझे। स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है ये प्याज वाला दाल। तो इस दाल में थोड़ा सा ले लेते हैं और थोड़ा सा इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब ज़बरदस्त, साथ में लेते हैं थोड़ा सा ये आलू फ्राई, और जबरदस्त पापड़, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए इस दाल को मैं कर लेता हूँ कम्प्लीट, उसके बाद दिखाते हैं यहाँ का मेन आइटम यहाँ का ये मटन करी। तो चलिए फ्रेंड्स दाल तो मेरा कंप्लीट हो गया, दाल ज़बरदस्त लगा, साथ में जो आलू फ्राई दिया गया था वो तो और भी ज़बरदस्त था, लेकिन बर्दाश्त कहाँ हो रहा था, इंतज़ार था इस मटन का।
जस्ट कलर देखिए, बनते हुए हम लोगों ने जब देखा उसी समय हम लोग मतलब मुंह में पानी आ रहा था, बर्दाश्त हो नहीं रहा था। ये देखिए पूरा रोगन है ज़बरदस्त, पूरा जो ये पूरा वो जो चर्बी डाला गया था ना, वो चर्बी यहाँ पर इस तरह से पिघल के पूरा तेल के जैसा तैर रहा है। तो चलिए सबसे पहले ट्राई करते हैं इनका ये ग्रेवी। मतलब पूरा बिहार का याद आ जा रहा है, पटना का याद आ जा रहा है। इसी तरह का ग्रेवी वहाँ पर भी पाया जाता है, ज़बरदस्त मसालों के साथ जिस मटर को अच्छे से कसाया गया है, बहुत अच्छा लगा। मतलब इसका मसाला ही इतना ज़्यादा टेस्टी है, बहुत अच्छा। अब दिखाते हैं इधर मेन चीज़, ये देखिए जिसका इंतज़ार आप लोगों को भी था और हमको भी था, इस मटन का, इस तरह का मटन का साइज है ये। तो तीन पीस मैंने मटन लिया है, तो इस थाली का प्राइस मेरा पड़ा है 215 रुपया। तो चलिए ये देखिए पूरा चर्बीदार यहाँ का मटन है, ये देखिए पूरा चर्बी वाला पोर्शन। तो पहले थोड़ा सा खा के देखते हैं। तो चलिए अब इस मटन को ट्राई करते हैं इस राइस के साथ और देखते हैं कैसा लगता है। कभी भी अगर आप मालदा विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर इस जमाई का होटल में आके यहाँ का ये जो स्पेशल मटन है उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो ज़बरदस्त लगा। वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर मालदा से देख रहे हो तो ज़रूर वीडियो को और ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं मालदा से ही किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।